हरिओम हरिओम, ये सौत्या कहाँ गया? यहाँ आने के लिए कहता ना उसको, भाई उसने मूर्खता तो नहीं कर दी? नहीं सरकार, यही कहीं होगा वो। पागल हो, पेड़ पे क्या कर रहे थे? आप ही का आदेश था सरकार कि किसी की नजरों में ना हो। बोलिए सरकार, आज किस काम के लिए याद किया आपने? कोई वसूली है या गांव से किसी को भगाना है या फिर किसी की हड्डी पसली तोड़नी? इस बार हड्डी पसली से काम नहीं चलेगा। ईश्वर के नियमों का उल्लंघन किया है दो लोगों ने, उन्हें ईश्वर के पास पहुंचाना है। मेरे वाड़े के पीछे एक छोटा घर है, उसमें एक नवविवाहित जोड़ा रहता है, उन्हें मौत के घाट उतारना है। दो सौ है, काम पूरा होने के बाद 300 दूंगा। काम आज अभी शिरडी वासियों के जागने से पहले हो जाना चाहिए। आप चिंता मत करिए सरकार। सरकार, दोनों को मारना है, मगर ये तो संता, कई बार शासकों को कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। समाज के ठेकेदारों को कठोर होना पड़ता है, नहीं तो सामाजिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। मुझे शिरडी में एक उदाहरण स्थापित करना है। जब कभी नीची जाति वाले लोग ऊंची जाति से बराबरी करेंगे और यदि उसमें ऊंची जाति वाला कोई भी सम्मिलित हो तो दोनों भी क्षमा के पात्र नहीं होंगे। कुलकर्णी सरकार निर्णय लेने में कभी भेदभाव नहीं करेंगे। सामाजिक कुप्रथाएं अगर रोकने के लिए मुझे आजीवन कारावास में सड़ना भी पड़े तो मुझे स्वीकार है। लेकिन सरकार, आप बलवंत जी को इस बारे में पता है? उससे पूछा है किसने है? से बताया है कि वह लड़की का काम तमाम कर देंगे, लेकिन ये तो उस लड़की के साथ ज्यादती होगी, अन्याय होगा उस पर। बस्ती वालों को मैं भली भांति जानता हूं। इतने वर्षों में मैंने बस्ती वालों को उनका स्थान दिखाया हुआ है। लड़की में इतना साहस नहीं हो सकता कि वो महेश को फुसला सके। ये पाप महेश ने ही आरंभ किया है और उसका दंड उसे भुगतना होगा। मना मत कीजिएगा साईं, खास आपके लिए अक्षय तृतीया के मौके पर बनवा के लाया हूं।
जानते हो अक्षय तृतीया का महत्व क्या है? जी कि आज के दिन सोना चांदी खरीदना शुभ होता है। ये तो इंसानों का बनाया रिवाज है, लेकिन पुराणों के अनुसार आज ही के दिन वेदव्यास जी ने महाभारत लिखना प्रारंभ किया था। आज ही के दिन भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था और आज ही के दिन सतयुग समाप्त होकर त्रेतायुग आरंभ हुआ था। अगर आज के दिन कुछ पुण्य कमाना चाहते हो तो कुछ ऐसा करो जो ईश्वर की सेवा हो। मुझे सोने चांदी का कोई मोह नहीं, अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो भंडारे में श्रमदान करो, मैं उसी में खुश हूं। जरूर साईं, मैं जिस प्रकार भी आपकी सेवा कर सकूं मेरा सौभाग्य होगा। स्नान के लिए पानी। ताई, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ताई कहने की? धीट है रे तू, धीट। समझा चुके हैं सब तुझे कि तेरी औकात नहीं है। तू नीची जात वाली हमारे बराबर कभी नहीं हो सकती, फिर भी तुझे शर्म नहीं आती बार बार नाता जोड़ते हुए? और सुन, चाहे हजार बार गंगा नहा ले फिर भी तेरी ये मनहूसियत तू अपने से हटा नहीं सकती, क्योंकि तेरा खून ही गंदा है। तू जो सोच रही है कि ऊंची जात के लड़के के साथ शादी करके तेरा छोटी जात का कलंक धुल गया, गलत सोच रही है तू। अब तो तूने मेरे भाई तक को भी कलंकित कर दिया, स्वार्थी औरत। अगर मैं तेरी जगह होती और देखती कि मेरी वजह से मेरा पति कलंकित हो रहा है तो किसी नदी में जाके डूब मरती, पर तू तो इसे अपनी जीत मानकर बेशरम हो गई है। मेरे भाई को अपने पाप का भागी बनाकर तुझे चैन नहीं मिला, जो अब इस कुएं पर अपनी छाया डालकर हम सबको भी मैला करना चाहती है। ए सुनो जी मालगिन, इस कुएं को गोमूत्र से शुद्धिकरण कराओ, धूप लगा और कुएं के पानी में तुलसी के पत्ते डालो, और ये जो कलंकित लोग आकर कुंडली मारकर बैठे हैं हमारे यहाँ, इनके लिए बैलों के पानी पीने के लिए जो हौदी है वो भरवा देना। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।